हरे कृष्णा एस्पायरर्स, वेलकम टू माय चैनल द एडूवर्स। सो टुडे इज 28 मई 2023। वी आर गोइंग टू एनालाइज द हिंदू, ओके, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल एज वेल एज। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके गाइस, सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। सो हियर लेट्स मूव फर्दर। नाउ हियर वी हैव एन आर्टिकल रिलेटेड टू द हिंडन बर्ग अडानी केस, ठीक है ना। एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स सेबी। ओके, नाउ सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स प्रोब इनटू द ओनरशिप एंड ओपेक स्ट्रक्चर्स ऑफ 13 ओवरसीज। ओके, 13 ओवरसीज एंटिटीज से सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल। ओके, नाउ हेयर पैनल फाइंडिंग आफ्टर 2 मंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो अडानी केस हुआ था हिंडनबर्ग वाला, उसको अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द कमेटी हेडेड बाय द जस्टिस हु इज विंग जस्टिस का नाम क्या है, AM सापरे, जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने फाइंड किया नो मतलब कोई भी एविडेंस ऐसा प्राप्त नहीं किया। नाउ हेयर इन्वेस्टिगेशन इज डन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिफर्स टू ओवर 6,000 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कमिटी से सेबी इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ओके, सो अल्टीमेटली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नाउ हियर RBI टू पुल आउट 2,000 नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन। एज वी ऑल नो दैट जो RBI है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 2,000 रुपी नोट का क्या कह सकते हो डिमोनिटाइजेशन कर दिया है, ठीक है ना। उसको मतलब पुल आउट कर रही है फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब सिर्फ 2,000 रुपये के जो नोट हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। Now, however, 2,000 notes will continue to be legal tender. A similar withdrawal of notes from circulation was undertaken in 2013-14. Okay, as we all know. Now, here, the central bank has advised the public to deposit notes into their bank accounts or external exchange them into bank notes of other denominations. Okay, na? Okay. So, ultimately, jo 2,000 ke notes ko band kar diya ja raha hai. Now, here. वी कैन सी G7 लीडर्स लेइंग रेथ्स एट हिरोशिमा पीस मेमोरियल इन हिरोशिमा ऑन फ्राइडे। सो दिस इज़ द फोटो ऑफ द G7 लीडर्स हु आर इन द हिरोशिमा, ठीक है ना, ऑन फ्राइडे। द मेम्बर्स ऑफ द ब्लॉक मीटिंग इन जैपनीज सिटी सेड दे वुड मूव टू फर्दर रेस्ट्रिक्ट रशियाज एसेस टू G7 इकोनॉमीज टू स्टार्व रशिया वॉर मशीन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके गाइस, सो वेट अ मोमेंट यार, ठीक है। नाउ हेयर वी हैव, ओके, सो फ्रॉम हेयर वी आर हेयर ना। नाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन केरला इन सर्च ऑफ बाउंसर्स। ओके, सो अल्टीमेटली आजकल हॉस्पिटल्स को भी बाउंसर चाहिए, ठीक है ना। टू बाउंसर्स हु वर एडेड रिसेंटली टू द सिक्योरिटी टीम ऑफ द एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर इन द कोची। कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। वाई नॉट कंडक्ट क्लैट इन रीजनल लैंग्वेजेस, हाई कोर्ट आस्क एन एल यूज। ऑर्डिनेंस ऑन ट्रांसफर्स आप, ओके, कांट पुट अ प्राइज ऑन मेडल्स रेसलर्स इस्लाम ब्रिज भूषण। ओके, नाउ हेयर इट इज़ अ वेरी गुड कैरिकेचर ऑफ द केरला स्टोरी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विल बिगिन फ्रॉम महाराष्ट्र सेज KCR। BRS प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर राव स्पीकिंग एट द पार्टी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ग्रेटर नोएडा शूटिंग, यूनिवर्सिटी फर्स्ट रिपोर्टेड इट एज अ डॉग बाइट केस। इट्स अ शेमफुल दैट अंडर सो मच सर्वेलेंस दिस मैन शॉट हर डेड एंड नो वन ट्राई टू स्टॉप हिम। स्नेहा चौरसिया बेचारी, अ 21-year-old स्टूडेंट ऑफ शिव नदर यूनिवर्सिटी वॉज शॉट डेड इन साइड द इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा कैंपस। इट हैज़ इमर्ज दैट द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी फर्स्ट रिपोर्टेड इट एज अ बिग एज अ केस ऑफ डॉग बाइट रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशन बाय द वुमेन्स फैमिली। ओके, नाउ हाउ गुजरात इज वर्किंग टू बिकम इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो अल्टीमेटली दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस थोरली इट। ओके, एंड यहाँ पे वैन गुज्जोस लिविंग इन उत्तराखंड गेट एविक्शन नोटिस,
नाउ हेयर इसको पहले देखते हैं, ग्रीन सुपर पावर क्या है, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिन्यूएबल और वी कैन से नॉन फॉसिल सोर्सेज इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की डिफाइन क्या है, द हाइड्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज और वी कैन से नॉन फॉसिल सोर्सेज, ओके, तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। एक्सपेक्टेड टू हेल्प डीकार्बोनाइज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर स्टील केमिकल एंड पेट्रोलियम। अब जब हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन होगी तो अल्टीमेटली जो कार्बन का जो लेवल है एटमोसफेयर में वो कम होगा, यानी डीकार्बोनाइज होगा हमारा एटमोसफेयर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। गुजरात एम्स टू प्रोड्यूस 8 लाख टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2035, मतलब 2035 से पहले पहले जो गुजरात है उसका एमिंग अभी क्या है, 8 लाख टन, 1 लाख टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो पर ईयर, ओके। और ये 1.99 लाख हेक्टेयर अलॉटमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम्स इन स्टेट, इतना जो हेक्टेयर लैंड है, 1 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 2 लाख हेक्टेयर लैंड जो है अलॉट की गई है बाय द गवर्नमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम। और इसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स, आगे आगे के आने वाले 15 साल में 10 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी गुजरात में, ठीक है ना। नाउ हियर वी कैन, उसको पैराग्राफ पढ़ते हैं। गुजरात हैज सेट द बॉल रोलिंग टू बिकम द कंट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब एंड रिटेन इट्स डोमिनेंस ओवर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। द स्टेट हैज़ डिजाइंड मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs विद बिग कॉरपोरेट्स इंक्लूडिंग रिलायंस। अब जो कॉरपोरेट्स उनमें कौन कौन आ रहे हैं, रिलायंस, अडानी, आर्सिलल मित्तल एंड द टोरेंट, विच हैव प्लेज्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड हैव बीन अलॉटेड लैंड फॉर द सेम। वी एम टू बिकम अ हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बाय क्रिएटिंग अ प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 8 मैट्रिक टन, यानी मैट्रिक इधर रिफर्स टू द लैख, ठीक है ना, 8 लाख टन पर एनम बाय 2035 से। स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत से, ठीक है। तो गुजरात के स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, बलवंत सिंह राजपूत, ओके, नोट डाउन इट। नाउ द स्टेट इज़ फ्रेमिंग अ न्यू पॉलिसी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग विच विल गिवन द स्टेटस ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर, सेड ऑफिशियल। द स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख हेक्टेयर्स इन द कच्छ बनासकांठा बॉर्डर, ये जो मतलब 2 लाख हेक्टेयर लैंड जो अलॉट की गई है बाय द गवर्नमेंट, ये किस एरिया पे है, कच्छ बनासकांठा बॉर्डर पे, ठीक है ना। अगेंस्ट द प्रपोजल बाय द कॉरपोरेट्स दैट साइन द MOUs सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स 3.9 लाख हेक्टेयर, जो MOUs, ठीक है ना, जो बड़ी कंपनियां, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाख करोड़ लैंड की डील की थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट इन लोग को अप्रॉक्स 2 लाख हेक्टेयर लैंड प्रोवाइड की है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन पर्पज, ओके। नाउ द लैंड पार्सल्स विल बी अलॉटेड ऑन अ 40-year लीज, ओके। नाउ द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिंग इन स्टेट्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ऑफिशियल साइड, ओके। एज पर द लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी द कंपनीज मस्ट मीट 50% ऑफ देयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इन 5 ईयर, तो जो उनकी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है कितनी, 8 लाख है ना, उसका 50% यानी 4 लाख टन्स मतलब रीच कर पाएँ कंपनीज 5 ईयर में, ये एक कह सकते हो प्रॉमिस टाइप में रखा जाएगा, ठीक है ना, ऑफ कम विद इन 5 ईयर ऑफ कमीशनिंग देयर प्लांट्स, ओके, एंड 100% विद इन 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में हम लोग मतलब उन कंपनीज को पूरा अचीव करना होगा 8 लाख मैट्रिक। नाउ जीरो एमिशन कंट्री, ठीक है, अंडर द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC, यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो एमिशन कंट्री बाय 2070, ठीक है। द कंट्री ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशन बाय 45% बाय 2030 और बाय सोर्सिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो मतलब 2030 तक जो इंडिया है वो अपना कार्बन एमिशन 45% तक रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। एज अ स्टेट विद अ फेवरेबल पॉलिसी डिजाइन एंड सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस,
गुजरात विल बी अ हब ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ द स्टेट इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस न्यू सेक्टर ओवर द 15 ईयर्स। एनी कंपनी इंटेंडिंग टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन गुजरात शुड हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट 500 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और शुड बी अ यूजर ऑफ ग्रीन और ब्लू और ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस जो ये होने वाला है, ये जो नई स्कीम है, इसमें वही कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिनके पास एटलीस्ट 500 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी एक्सपीरियंस हो, या फिर वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन।